काश मुझसे वो गलती ना हुई होती, काश मैं उससे एक बार और मिल लिया होता, या काश मैंने उसे बचा लिया होता। ऐसे हजारों ख्याल हमारे दिमाग में रोज आते हैं और हम चाहते हैं कि काश हम फिर से भूतकाल में जाकर के अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधार सकें। लेकिन तभी हमें ज्ञात होता है कि टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल नहीं है और हम मान लेते हैं कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले जिसे देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल फिर से खड़े हो जाएं, तो JL50 वही फ्लाइट है दोस्तों जिसकी सवारी करने के बाद आपके दिमाग में ख्याल और ये सवाल फिर से खड़े हो जाएंगे कि क्या टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है। JL50 को डायरेक्ट किया है शैलेंद्र व्यास ने और उन्होंने ही इसकी कहानी को भी लिखा है। इस सीरीज को 4 सितंबर 2020 को सोनी लिव के ऊपर रिलीज किया गया है। इसके अंदर 35-35 मिनट के करीब 4 एपिसोड हैं जिनकी टोटल लेंथ होती है करीब 2 घंटे 19 मिनट। इस सीरीज के अंदर मुख्य भूमिकाओं में हमें दिखाई देंगे अभय देओल, पंकज कपूर, राजेश शर्मा, रितिका आनंद और पीयूष मिश्रा। कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के अंदर एक प्लेन AO-26 के लापता होने से, जिसकी जांच की जिम्मेदारी आती है CBI ऑफिसर शांतनु के पास। शांतनु और उसका दोस्त इसकी जांच में जुट जाते हैं और शुरुआती जांच में पता चलता है कि पास ही में कोई प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्रैश हुआ प्लेन AO-26 नहीं है, बल्कि ये प्लेन है 35 साल पहले उड़ा JL-50। इस प्लेन ने 1984 में कोलकाता से उड़ान भरी थी और उसके बाद ही ये लापता हो गया था। लेकिन आज करीब 35 साल बाद इसकी लैंडिंग हुई है। और अगर ये प्लेन वाकई में JL-50 है तो फिर हाल ही में लापता हुआ AO-26 कहां पर है? क्या ये वाकई में टाइम ट्रेवलिंग है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश? और इन सभी से शांतनु का अतीत कैसे जुड़ा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको करनी होगी JL-50 की सवारी। ये सीरीज एक मिस्ट्री थ्रिलर होने के साथ साथ एक साइफाई सीरीज भी है और इसकी कहानी में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सीरीज के अंदर ABA नाम के एक काल्पनिक कम्युनिस्ट संगठन के थ्रू कुछ लोगों की देश को बांटने की साजिश के ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही सीरीज के अंदर आने वाले हरेक कैरेक्टर्स की डेप्थ के ऊपर काम गया है और उनका अपना एक अलग ही ओरा है जो प्रभावित भी करता है। सीरीज के अंदर एक दृश्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति की आधुनिकता और ज्ञानता का स्मरण भी कराया गया है, जो कि काफी प्रभावशाली भी लगता है। साथ ही सीरीज के अंदर ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि और देशों के मुकाबले हमारे देश के लोग किसी भी चीज को लेकर के क्वेश्चंस पूछने की जगह ब्लाइंड फेथ करने में बिलीव करते हैं, और अगर कोई भी एक अचंभित घटना घटती है तो उसे एक्ट ऑफ गॉड मान करके छोड़ देते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये सीरीज एक सत्य घटना से प्रभावित है, जिसके अंदर करीब 35 साल पहले उड़ान भरने के बाद लापता हुआ प्लेन अचानक से सभी पैसेंजर्स के कंकालों समेत लैंड हो गया था। इसके अलावा सीरीज के अंदर एक सीन ऐसा भी आता है जहां पर क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज को बता करके टाइम ट्रेवलिंग को पॉसिबल बताया गया है। वो सीन काफी इंटरेस्टिंग बन पड़ा है। स्क्रीन प्ले जबरदस्त है और सीरीज देखते वक्त आने वाले एक एक सीन के साथ में उत्साह और क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। साथ ही बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक, माइंड ब्लोइंग पिक्चराइजेशन और सुंदर लोकेशन की वजह से ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि आपका क्लाइमेक्स के बाद भी JL-50 की कुर्सी से उतरने का मन नहीं करता है। शुरुआत से लेकर के आखिर तक आने वाले सीक्वेंसेस आपके इंटरेस्ट और आपकी क्यूरियोसिटी को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आपका पलक झपकने का भी मन नहीं करता है। साथ ही बीच बीच में बजने वाले बंगाली भाषा के गीत इसका सौंदर्य और भी बढ़ा देते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सीरीज के अंदर अभय देओल को देख करके ऐसा लगता है कि मानो शांतनु का रोल उन्हीं के लिए बनाया गया था। वो अपनी चार्मिंग स्माइल और ठहराव भरी डायलॉग डिलीवरी से आपका दिल जीत लेते हैं और ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर उन्हें और ज्यादा काम मिलना चाहिए। साथ ही प्रोफेसर दास की भूमिका में आए पंकज कपूर ने जबरदस्त काम किया है। उन्हें देख करके लगता ही नहीं है कि वो पंकज कपूर है। उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, भाषा के ऊपर पकड़ और उनकी बॉडी लैंग्वेज उन्हें सबसे अलग और मनमोहक बनाती है। एक संगी प्रोफेसर की भूमिका में आए पीयूष मिश्रा इस सीरीज के सबसे बड़े सरप्राइज हैं। वो एक एक सीन में छा गए हैं और उनकी आंखें दहशत पैदा करती हैं। उन्होंने बता दिया है कि अगर आप एक्टर बेहतर हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आपके रोल की लेंथ कितनी है। राजेश शर्मा के पास में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को अच्छे से किया है। पायलट बिहू घोष की भूमिका में आई अभिनेत्री रितिका आनंद शुरुआत के एक दो दृश्य में जरूर चूकती है, लेकिन उसके बाद अपने इमोशंस और कैरेक्टर को होल्ड कर लेती है। स्पेशल की बात करें तो पंकज कपूर के द्वारा अपने कैरेक्टर में यूज किया गया एडिशनल वर्ड है आपके दिल को जीत लेता है। सीरीज का क्लाइमेक्स भी इसकी कहानी की तरह ही रहस्य में रखा गया है और हर इंसान अपने हिसाब से उसकी स्टोरी बना सकता है। कुछ लोगों को वो क्लाइमेक्स अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा।
खामियों की बात करें तो उसके अंदर दिखाया गया टाइम ट्रेवलिंग का कंसेप्ट अच्छा और इंटरेस्टिंग तो लगता है, लेकिन उसकी डेप्थ में काम नहीं किया गया है। साथ ही सीरीज के अंदर आने वाले एक दो दृश्य में VFX का काम भी अप टू द मार्क नहीं है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन माइंड ब्लोइंग है और सीरीज को देखते वक्त आप JL50 की दुनिया में पूरे तरीके से खो जाएंगे। ओवरऑल JL50 एक ऐसी फ्लाइट है जिसमें बैठते वक्त आपको अपनी घड़ी में देखना और अपने साथ एक डायरी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें सवारी करते वक्त आपका टाइम कब ट्रेवल हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और लैंडिंग के बाद आपके दिमाग में कई सारे सवाल और कई सारे ख्याल भी आएंगे, तो उन्हें डायरी में नोट कर लीजिएगा। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसके अंदर कोई भी इंटीमेट सीन नहीं है, ना ही कोई गाली गलौच है, तो ये एक फैमिली वॉच सीरीज है। अगर रहा सवाल मेरी रेटिंग का, तो मेरी रेटिंग इस सीरीज के लिए है 4.5 out of 5। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।